दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तरीके से निर्देश दे रखे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की जितनी भी दुकानें हैं, रास्ते में सभी मीट की दुकानों को सफाई कराया जाए। यानी जहां जहां से कांवड़िए गुजरेंगे वहां मीट की दुकानें आसपास नहीं खुले होने चाहिए। और अगर प्रदेश भर के किसी जिले या किसी कस्बे में इस तरीके की वारदात देखने को मिली जहाँ कांवड़िए गुजरेंगे और वहाँ पर मीट की दुकानें अगर दिखी, तो फिर पुलिस प्रशासन सीधा सीधा जिम्मेदारी होगी। यानी सड़कों पर मीट मांस नहीं बेचे जाएंगे। और इसी को देखते हुए प्रशासन अब इस सीएम योगी आदित्यनाथ के इस काम को पूरी तैयारी अमलीजामा पहचाने में जुट गए हैं। लेकिन बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बरेली में अचानक नगर निगम की टीम और कुछ भाजपा कार्यकर्ता जब पहुंचे इन जिहादियों के मीट मांस की दुकान हटाने, तो अचानक इन जिहादियों और कुछ मुसलमानों ने तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद उदयपुर दोहराने की कोशिश की गई। हालांकि आपको बता दें, इसमें ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं है, गर्दन पर तलवार मारी गई, 2-3 जगह तलवार बीजेपी के कार्यकर्ता की तलवार रेता गया है। हालांकि आपको बता दें, काफ़ी लोग होने की वजह से ये पूरी तरीके से गर्दन नहीं कट पाई, लेकिन जिस तरीके से तलवार से हमला किया गया है, प्रदेश भर में ये मामला गर्म है। बरेली में आपको बता दें, मीट के साफ बंद कराने पहुंचे भाजपा नेता अंकित भाटिया पर तलवार से हमला कर दिया। जख्मी नेता का इलाज चल रहा है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिद के आगे धरने की भी सूचना है। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घटना 14 जुलाई रविवार गुरुवार की है। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राम जानकी रोड की है। यहाँ पर प्रशासन के आदेश पर सावन के पहले दिन ही नगर निगम की टीम मांस की दुकान बंद करवाने पहुंची थी। इस दौरान वहाँ मौजूद भाजपा नेता अंकित भाटिया पर प्रशासन की मुखबिरी का आरोप लगाकर उन पर तलवारों से हमला करना शुरू कर दिया। भाजपा नेता का हॉस्टल ले जाया गया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। भाजपा नेता पर हमले का CCTV फुटेज भी आ गया है। इनमें आप देख सकते हैं, सड़क किनारे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे भाटिया पर अचानक ही करीब आधे दर्जन लोगों की भीड़ हमला कर देती है। कुछ के हाथों में हथियार भी दिखाई दिए हैं और उनमें से बचने के लिए भाजपा नेता अंकित भाटिया भागते हुए और उनका पीछा किया जाता है। इससे बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन आपको बता दें, अब जिस तरीके से हमला किया गया है, इसके बाद से UP पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन जिहादियों के 5 नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन जिहादियों की धरपकड़ के लिए टीम बन चुकी है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इन पर कड़ा एक्शन होगा और एक्शन इतना कड़ा होगा कि अब ये जिहादी दोबारा इस तरीके की घटना करने के बारे में 10 बार सोचेंगे। आपको बता दें, इस घटना के वायरल हो रहे वीडियोज़ में अंकित भाटिया के कपड़े भी फटे दिखाई दे रहे हैं। कपड़ों पर खून के धब्बे निशान दिख रहे हैं। आसपास हिंदू संगठन के लोग और पुलिसकर्मी भी दिखाई देते हैं। सामने की तरफ से HDFC बैंक भी है और स्थान पर अल हब और अल नवाब नाम की चिकन की दुकानें हैं। आपको बता दें, इन चिकन दुकानों को बंद कराने के लिए BJP नेता के साथ नगर निगम की टीम पहुंची थी, लेकिन आपको बता दें, उनको तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया। हालांकि बड़ी खबर यह निकल के आई, हताहत ज़्यादा नहीं हुए और कुछ कम ही हताहत थे कि उन्हें आनंद फानंद हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन जिस तरीके से इन जिहादियों का मनोबल बढ़ गया, इसके बाद योगी सरकार ने सीधा कड़ाई के साथ निपटने के आदेश दिए। माना जा रहा है कि एक आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है। हालांकि आपको बता दें, अभी गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन ने ऑफिशियली जो है वो ऐलान नहीं किया है, लेकिन इन जिहादियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इनकी धरपकड़ तत्काल होगी और इन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इनके मीट के दुकानों को भी पूरी तरीके से लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। जो भी आरोपी हैं, अगर उनकी दुकानें चल रही होंगी या फिर उनके किसी भी तरीके से कारोबार हो रहा होगा, तो उनकी दुकानें और कारोबार पर ताला लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी। अगर उनके मकान अवैध निकले तो मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा। प्रशासन कड़े एक्शन की तैयारी कर रहा ताकि इस तरीके से उदयपुर जैसी घटना को अंजाम यहाँ बरेली में न बनाया जा सके। यानी उत्तर प्रदेश को राजस्थान और बरेली को उदयपुर बनाना इन जिहादियों को भारी पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी मानते हैं कि एक्शन कड़ा होना चाहिए ताकि नज़ीर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें।